नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं रेडियो का ट्रेंड सेटिंग शो #सलीम ओनली ऑन इंडियाज बिगेस्ट रेडियो नेटवर्क बिग FM। आई एम श्योर आपकी दिवाली शानदार और खुशियों वाली रही होगी। सो वी थॉट दैट सेलिब्रेशंस एंड फेस्टिविटी शुड कंटिन्यू। वंस अगेन खुशियां होगी ज्यादा, ये है बिग FM का वादा। शुरू करते हैं आज का शो एक छोटे से ट्रेलर के साथ। फिल्म परदेश के गाने दो दिल मिल रहे हैं के लिए सुभाष जी ने ये शर्त रखी नदीम श्रवण के सामने कि गाना तुम कंपोज करो मगर म्यूजिक अरेंजमेंट मैं करूंगा। आखिर क्यों? क्यों किशोरदा ने मना कर दिया था खई के पान बनारस वाला ये गाना गाने से, और फिर गाया तो किस शर्त पर? इंटरेस्टिंग कहानी है। और इनके साथ साथ आज ही #सलीम पर पता चलेगा कि फिल्म रोजा के बाद अलका याग्निक फिल्म ताल का ऑफर क्यों ठुकरा रही थी। सो स्विच ऑन योर म्यूजिकल मोड एंड लेट्स बिगिन द शो विद दिस ट्रेंडसेटिंग सॉन्ग, मस्त माहौल में जीने दे। क्या गाया है सुनिधि ने। वेलकम बैक टू #सलीम ओनली ऑन बिग FM, जहां हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग FM का वादा। और अब बात फिल्म परदेश के सुपरहिट सॉन्ग दो दिल मिल रहेगी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के चुप के। ये गाना जब कंपोज हो रहा था तब डायरेक्टर सुभाष गाई जी ने नदीम श्रवण जी से कहा, देखो मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के स्कूल से आया हूँ, मुझे एज अ कंपोजर आप पे भरोसा है, बट म्यूजिक अरेंजमेंट मुझे करने दो। यही मेरी शर्त है कि गाना आप कंपोज करेंगे और अरेंजमेंट मैं करूंगा। तो इस शर्त पर नदीम और श्रवण ने गाना कंपोज कर दिया। उसके बाद सुभाष जी और उनके दो तीन म्यूजिशियंस उनके बंगले पर बैठे और ड्रम्स, ढोलक और हैवी इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ इस गाने का अरेंजमेंट किया। रात को सुभाष जी और उनकी टीम बहुत खुश थी कि उन्होंने क्या कमाल का एनर्जी डाल दिया इस गाने में। सबने वाह-वाह की और अपने घर चले गए। अब रात को आनंद बख्शी साहब का फोन आया और उन्होंने सुभाष जी को पूछा कि कैसा हो रहा है गाना, कहीं तो उसको खराब तो नहीं कर देगा, ये गाना सिंगर का गाना है, बढ़िया होना चाहिए। अब सुबह जब स्टूडियो पहुंचे तो करीब 70 म्यूजिशियंस रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए थे। सुभाष जी बख्शी साहब की बात सोचते सोचते अपने गिटार प्लेयर के पास गए और उनसे गिटार पे कुछ स्ट्रम करने को कहा। जो पीसेस सेट थे वो गिटार प्लेयर ने बजाए और फिर गाने पर स्ट्रमिंग करने लगे। वो चीज सुभाष जी को बहुत पसंद आई। सुभाष जी ने गिटार प्लेयर के साथ एक दो बार और गाना सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि 70 में से 50 म्यूजिशियंस का पेमेंट करो और उन्हें घर भेज दो। तो सारे म्यूजिशियन को उनका पूरा पेमेंट करके वापस भेज दिया गया और ये गाना बाद में गिटार और लिमिटेड परकशंस के साथ रिकॉर्ड हुआ। और सुभाष जी ने नदीम श्रवण से ये कहा कि कुमार सानू से बोलना कि ज्यादा रिहर्सल ना करे, बस दिल से गा दे, ये गाना उसका है। सानू ने सीधा टेक किया और वही टेक आज हम इस गाने में सुनते हैं। 92.7 बिग FM पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू #सलीम ओनली ऑन बिग FM। अब बात चोरी पे चोरी सेगमेंट की, यानी कि वो गाने जिनकी ट्यून्स कॉपीड है या इंस्पायर्ड है। आज मैं आपको पहला गाना वो सुनाता हूँ जो फिल्म यस बॉस का है, दैट रिलीज्ड इन 1997। गाना है सुनिए तो रुकिए तो। सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा। अब ये सुनिए जहां से ये गाना इंस्पायर्ड हुआ है। 1996 में बना हेशम अब्बास का गाना अल्लाह माफी की। सुना आपने गाने का अफ्रीकन टच और रिदम पैटर्न। मेलोडी ऑलमोस्ट सेम रखा है जतिन ललित ने। ऐसे ही संदीप चावटा का गाना प्यार तूने क्या किया, ये भी पूरा कॉपीड है द हेक्टिक थीम से। सुनिए ये दोनों गाने। Oh,
अब आप बताइए कॉपी है कि नहीं। दोस्तों कुछ कंपोजर्स बिल्कुल ओरिजिनल काम करते हैं और कुछ कंपोजर्स कभी कभी दूसरे गाने से इंस्पायर होके गाने बनाते हैं। मतलब क्या कहे। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू #सलीम, जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल कहानियां ओनली ऑन बिग एफएम। बात है 2005 की। अजय देवगन, जॉन इब्राहिम, विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता और ईशा देओल की एक साइको थ्रिलर फिल्म जिसका नाम था काल। ये फिल्म जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर हंटिंग के सब्जेक्ट को लेकर बनी थी और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। फिल्म की शूटिंग के वक्त करण बीमार हो गए और करीब 1.5 महीने बाद जब ठीक हुए तो उन्होंने फिल्म को देखा और उन्हें ये फिल्म देखकर लगा कि ये फिल्म वर्क नहीं करेगी। अब फिल्म को फ्लॉप होने से बचाए कैसे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस सॉन्गलेस फिल्म में सॉन्ग्स रखेंगे। उन्होंने शाहरुख खान और मलाइका अरोरा से रिक्वेस्ट की कि उनका एक आइटम सॉन्ग इस काल काल में हम तुम करे धमाल फिल्म की बिगिनिंग में रखेंगे। और फिर एंड क्रेडिट्स में उन्होंने सोचा कि और एक गाना होना चाहिए जहां पूरी कास्ट फिल्म की हो। वो गाना था तौबा तौबा इश्क में करिया। दोस्तों फिल्म को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली इन गानों की वजह से और हमारे लिए यानी कि सलीम सुलेमान के लिए ये गाने बहुत ही लकी साबित हुए। तौबा तौबा इश्क में करिया जब आता है तब सुलेमान ने एक मजेदार पिकअप के साथ कव्वाली का ठेका हिप हॉप की बीट के साथ लगा दिया और ये एक्सपेरिमेंटेशन लोगों को इतना पसंद आया कि हमें बहुत सारे कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस आने लगे कि क्या बात है, बहुत अच्छा गाना बना है। इस कव्वाली के माहौल में इंग्लिश हुक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। फील द फायर माय डिजायर टेक मी हायर सोनी ये। और उसकी साथ ही साथ एक रैप की भी खुशबू है इस गाने में। हमको तो बहुत मजा आया गाना बनाने में। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट। वेलकम बैक टू #सलीम ओनली ऑन बिग एफएम। और अब बात डॉन के सबसे पॉपुलर गानों में से एक खई के पान बनारस वाला की। ओ खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के ये गाना लिखा था अनजान साहब ने और जब वो ये गाना लिख कर आए तो सबने कहा कि खई के कोई वर्ड नहीं होता हिंदी में, खा के होता है, खई के थोड़ी ना होता है। अनजान साहब ने सबको कन्विंस किया कि देखिए बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग पान बहुत खाते हैं और ऐसे ही बोलते हैं कि खई के पान फिर बताएंगे या खई के पान फिर बात करेंगे। और हमारा हीरो अमिताभ बच्चन भी उत्तर प्रदेश का ही है तो उसे ये बहुत जचेगा। तो इस लॉजिक के बाद बाकी लोग मान गए, मगर फिर आए किशोरदा। उन्होंने ये गाना सुनते ही कहा कि ये गाना हिंदी भाषा का नहीं लग रहा है, इसमें ये क्या है, खई के और हमरे कैसे जैसे शब्द हैं, मैं ये नहीं गा पाऊंगा, तुम लोग दूसरा सिंगर ढूंढ लो। और वो जाने लगे। उन्हें जाता देख अनजान साहब से लेकर कल्याण जी, आनंद जी और चंद्र बारोट वगैरह सब ने उन्हें रिक्वेस्ट की और कहा कि दादा ये गाना आपसे अच्छा कोई नहीं गा सकता है, प्लीज इसे गा दीजिए। इतनी मिन्नतों के बाद किशोरदा बोले चलो गा दूंगा मगर एक शर्त पर, और शर्त यह है कि ये गाना केवल एक बार गाऊंगा, तुम्हें ओके लगे तो रख लेना वरना किसी और सिंगर से गवा लेना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बाद किशोरदा ने पान चबाया और पूरा गाना एक ही टेक में गाया। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबा। पान की पीक भी स्टूडियो में बिछी प्लास्टिक शीट्स पर फेंकी क्योंकि नेचुरल आवाज आए। माय गॉड, क्या थे हमारे किशोरदा, वन एंड ओनली रियली। आगे बताऊंगा कि फिल्म रोजा के बाद जब रहमान की फिल्म ताल का ऑफर अलका याग्निक को आया
तो अलका जी वो ऑफर भी क्यों मना कर रही थी? फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग की ये म्यूजिकल स्टोरी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. यू स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट. वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल कहानियां ओनली ऑन बिग एफएम. रोजा फिल्म के बाद रहमान का एक और गाना अलका जी के हाथ से जाने वाला था और किसी वजह से ये बच गया. आपको शायद पता होगा कि जब एआर रहमान ने अपनी फिल्म रोजा के लिए अलका याग्निक को अप्रोच किया था तो अलका जी के पास उस वक्त एक तो डेट्स नहीं थी और दूसरा एक और कमाल का रीजन था. खुद अलका जी से ही सुनिए क्या हुआ था उस वक्त. द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एआर रहमान ऑफिस सेइंग दैट देयर इज दिस कंपोजर मिस्टर एआर रहमान हु वुड वांट यू टू कम टू चेन्नई for recording the songs of his film, his new film, which is called Roja. And we want you and Kumar Sanu, both of you, to do the entire album for this film. So I called up Mr. Kumar Sanu and I asked him, are you going? So he said, ki, main to nahi jaunga, pata nahi kaun A.R. Rahman. I said, yeah, even I haven't heard kaun A.R. Rahman, pata nahi, I've never heard of him. Thereafter, when I heard the songs of Roja, I could have banged my head on the wall because it was such a big loss. Chinna chinna aase, siragadi kumase, muttu muttu aase. Yes, it was her loss for sure. Ye to hui Roja ki baat. Iske baad phir ek baar Rehman ne unhe film Taal ke gaane ke liye bulaya. Is baar bhi Alka ji ki same problem thi. मुंबई में वो बहुत बिजी थी तो उन्होंने फिर से मना कर दिया. जब ये मना वाली बात डायरेक्टर सुभाष घई को पता चली तो उन्होंने अलका जी के घर फोन किया और अलका जी की मम्मी को समझाया कि अलका पागल है क्या कि इतनी अच्छी फिल्म और गाने को मना कर रही है. उसे प्लीज समझाओ कि बेवकूफी छोड़े और सीधे कल चेन्नई चली आए. अलका जी जब घर वापस आई तो माँ ने यही समझाया कि सुभाष जी ने बोला है कि तुम कल किसी भी कीमत पर चेन्नई पहुंचाओ. लास्ट में वो मान गई और नेक्स्ट डे चेन्नई पहुंच गई और उसी रात करीब 3 बजे ये गाना रिकॉर्ड किया. ताल से ताल मिला. देखा दोस्तों, मां की बात सुनना कितना जरूरी होता है. कितना कमाल का ताल से ताल मिलाया अलका जी ने. ऐसा कहते हैं कि सरोज खान ने फिल्म रंगीला के 4 गानों की कोरियोग्राफी की थी पर फिल्म में उन्हें सिर्फ 1 गाने की क्रेडिट दी गई. क्या थी ये स्टोरी बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन हैशटैग सलीम ओनली ऑन बिग एफएम 92.7 बिग एफएम पर हैशटैग सलीम बॉलीवुड के ट्रेंडसेटर्स विद सलीम मर्चेंट. वेलकम बैक टू हैशटैग सलीम जहां मैं सुनाता हूं ट्रेंड सेटिंग गाने और उनकी म्यूजिकल कहानियां ओनली ऑन बिग एफएम. अब बात होगी फिल्म रंगीला की और उससे जुड़े एक गोलमाल की. साल था 1995. सरोज खान फिल्म रंगीला और राजा दोनों के लिए डांस डिजाइन कर रही थी. रंगीला के 4 गाने वो ऑलरेडी कोरियोग्राफ कर चुकी थी जैसे हाय रामा, क्या करे के ना करे और राम गोपाल वर्मा ने अपने फिल्म के कुछ डेट्स अचानक शिफ्ट कर दिए. उन नए डेट्स पर वो सरोज खान की डेट चाह रहे थे. सरोज खान ने उन्हें मना कर दिया ये कहते हुए कि उन डेट्स पर वो फिल्म राजा के लिए काम कर रही है जो बहुत पहले से लॉक्ड है. उनका लगभग 1.5 गाने का काम बाकी था. अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं और नजरें मिली और इधर का काम छोड़कर वो उनके पास नहीं आ सकती थी. मामला फंस चुका था. क्राइसिस को मैनेज करने के लिए राम गोपाल वर्मा ने सरोज खान के असिस्टेंट अहमद खान को बुलाया और कहा तुम्हें डांस डायरेक्टर बनना है या असिस्टेंट ही रहना है. हर एक की तरह अहमद खान भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, तरक्की चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस हाथ आए मौके को तबीयत से लपक लिया और बन गए डांस असिस्टेंट से डांस डायरेक्टर. राम गोपाल वर्मा जी की मुश्किल आसान हो गई और वो खुश हो गए लेकिन सरोज खान नाराज हो गई. इसलिए नहीं कि उनके असिस्टेंट को डांस डायरेक्टर बनाया गया बल्कि इसीलिए कि राम गोपाल वर्मा ने सरोज खान जी को सिर्फ 1 गाने के लिए ही क्रेडिट दिया.
तन्हा तन्हा यहां पे जीना ये कोई बात है, जबकि वो चार गाने कोरियोग्राफ कर चुकी थी। वेल इट वॉज अ राइट सॉन्ग, तन्हा तन्हा यहां पे जीना यही कोई बात है। इस माया नगरी में ऐसे छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं दोस्तों। ये स्टोरी मैंने खुद सरोज जी से सुनी है इसीलिए आपको बता रहा हूं, पर वाकई सरोज जी ने क्या काम किया इस गाने में और आशा जी ने क्या खूबसूरती से गाना गाया। रहमान की तो क्या कहने, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ग्रेट अरेंजमेंट्स। रंगीला के सभी गाने ट्रेंड सेटिंग है, पर ये गाना खासतौर पर बहुत ही स्पेशल है। इसी गाने के साथ आपसे विदा लूंगा, कल फिर मिलेंगे कुछ नए ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग्स और उनकी म्यूजिकल स्टोरीज के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट।